टू माई चैनल. यस, आज से नो मोर हाई गाइज, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली नाउ. वी आर 2K प्लस स्ट्रॉन्गर गाइज. 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, सबको बहुत 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 धन्यवाद. एंड आज से मैं आप लोगों को फैमिली बोल के एड्रेस करूंगी, क्योंकि एक्चुअली यू गाइज आर माई फैमिली नाउ. सो हाई फैमिली, संजिष्ठा, वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज है नवरात्रे का तीसरा दिन, और आज आप लोगों ने देखा पूजा वगैरह हो गया है. तो मॉर्निंग में थोड़ा सा बिजी चलता है शेड्यूल अभी नवरात्र में, क्योंकि यू नो थोड़ा सा वो किताब पढ़ना पड़ता है एंड पूजा करना, क्लीनिंग करना. तो मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, बट मैंने शूट किया था मैंने जो भी किया सुबह से. एंड हमारे घर पे ना एक एक करके पूजा होता है, मतलब मैं और प्रिंस दोनों एक साथ पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि रिट्विन बीच में उड़ जाता है, फिर उसे बाथरूम वगैरह लेके जाना, तो बीच से उठना पड़ता है. इसलिए सबसे पहले उठ के वो पूजा कर लेते हैं, तब तक घर का काम फिनिश करके उसके बाद मैं कर लेती हूँ, और फिर रितविन उठ जाता है. तो रितविन अभी उठ गया है, और थोड़ा सा उसका जो डेली रूटीन होता है वो चल रहा है, प्रिंस अभी करा रहे हैं क्योंकि वो घर पर है. एंड यस गाइज, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. आज तीसरा दिन है, और हम लोगों के घर में एक्चुअली ना षष्ठी से ज्यादा मतलब फेस्टिव से फेस्टिव फील होता है. तो षष्ठी से दसवीं तक अगर मेरे पास फुटेजेस आएंगे घर से, तो मैं वीडियो में इंक्लूड करूंगी. आज तो नहीं, षष्ठी के दिन से इंक्लूड करूंगी, तो व्लॉग्स में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि मेरे घर पे पूजा कैसे होता है कैसे नहीं. एंड यस, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं. पूजा वगैरह हो गई है, मुझे लग रही है बहुत भूख, तो जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाने. लेट्स गो. It was calling me aboard, and as I climbed inside I saw you sitting there in a daydream. You were lost. So guys, थोड़ा सा fruits वगैरह मैंने खा लिया है, and अब हम जा रहे हैं रितविन को थोड़ा सा ready करने के लिए, क्योंकि आज festival है, मतलब नवरात्र स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा उसे भी तैयार कर देते हैं. एंड यस, चलिए. But you laughed instead. थोड़ा सा मतलब मंदिर में माथा होता है टेक के आया है, और मैंने उसके कुछ पिक्चर्स निकाले, एक या दो रील्स बनाए मैंने इंस्टाग्राम के लिए, और वो परेशान करने लगा कि मुझे तैयार किया है तो बाहर लेके जाओ. उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इसलिए तैयार कर रहे कि बाहर लेके जा रहे, और फिर प्रिंस को उसे लेके जाना ही पड़ा. एक राउंड घुमा के लेके आए हैं बाइक पे, एंड हम लोगों ने उसके कपड़े चेंज कर दिए, अदरवाइज पूरा दिन वो बाहर 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 ही चिल्लाता रहता. और अभी जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए. लंच में आज सिंपल दाल चावल बनेगा और कुछ भी नहीं. कभी कभी ना थोड़ा सा सिंपल खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, तो गरम गरम दाल चावल अभी हम लोग खाने वाले, दाल फ्राई एंड चावल. और कुछ ज्यादा बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है. बुखार हो तो भी काम चल जाता है, फीवर वगैरह में भी काम चल जाता है, बट अगर जुकाम हो ना तो सर पकड़ा रहता है, एंड फिर बॉडी में भी टायर्डनेस रहती है. तो आज सिंपल दाल चावल बन रहा है, सो चलिए बना लेते हैं. You.
थोड़ा सा अब खराब हो गया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका जो कलर वगैरह है वो छूट रहा है, तो हम सोच रहे हैं इसे हम पूरा व्हाइट कलर पेंट कर दे तो थोड़ा सा इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। हमारे ड्रेसिंग टेबल के साथ आया था ये टेबल और एज अ साइड टेबल हम इसे यूज कर पाएंगे, तो देखते हैं आज नहीं तो फिर कल मैं इसे व्हाइट कलर पूरा पेंट कर दूंगी। एंड मैं सोच रही हूँ ये वाला जो ट्री है पाम ट्री इसे भी मैं व्हाइट कलर कर दूं तो अच्छा लगेगा। एंड यस ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि साइक्लोन और लो प्रेशर चल रहा है तो बारिश हो रही है, तो दो दिन से धूप निकली हुई है और अच्छे खासे मेरे कपड़े सारे सूख गए हैं एंड कल से फिर से साइक्लोन स्टार्ट होने वाला है तो फिर से बारिश होने वाली है। सो थैंक गॉड सारे कपड़े सूख गए, तो अभी मैं उसे फोल्ड करूंगी देन मैं आप लोगों से। So, ये कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और आप देख सकते हैं ये बड़ा सा चेयर भर के अभी भी कपड़े बचे हैं, तो थोड़ी देर बात करूंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, आप लोगों को आवाज से भी लग रहा होगा। रात में मैंने खा लिए थे 2 आंवले और 10:30 बजे आई थिंक, और सिट्रिक फूड से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है बिकॉज ऑफ माय साइनस, तो पूरा बढ़ गया है आज एंड गला भी अजीब सा लग रहा है, तबीयत भी अजीब सा लग रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है। आप लोगों के पास कोई होम रेमेडी है साइनस की जिससे थोड़ा सा आराम मिले प्लीज मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मैंने सुना है कि साइनस जो है होम रेमेडीज और आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, तो अगर मैं घर जाती हूँ तो मैं दिखाऊंगी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को। और आपके पास अगर कोई इसका कोई रेसिपी है होम रेमेडी है तो प्लीज मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे कि कैसे ये सही होगा, क्योंकि डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन दिए थे बट फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ, कभी कभी आ ही जाता है। तो आप लोगों के पास कोई रेमेडी होगा तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिए। क्यों सोए? क्यों चोए? क्यों चोए? लंच वंच हो गया है हमारा एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जस्ट अभी मैंने टैबलेट खा लिया है सिट्राजिन और उसे खाने के बाद ना थोड़ा सा नींद आता है और नींद अगर हो जाए मतलब अगर मैं सो जाऊँ तो शायद ये ठीक हो जाएगा। एंड ये जो ब्लॉग है ये पे मैं एंड कर रही हूँ, आपसे मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज जिस व्यूअर का नाम मैं लेना चाहती हूँ उनका नाम है उरूस लाइस, शी इज अ डियर फ्रेंड टू मी, इनसे डीएम्स चैट में भी बात होती है और बहुत ही सपोर्टिंग नेचर की है, तो थैंक यू सो मच अनम फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई ब्लॉग्स, आई लव यू अ लॉट, यू आर अ डियर फ्रेंड टू मी, सो कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो यस अगर आप भी चाहते हैं मैं अपने ब्लॉग में आपका नाम लूँ तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना है एक प्यारा सा वीडियो से रिलेटेड, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें टू गेट द ऑल रिसेंट अपडेट। सो यस आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।